नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। रक्षाबंधन का त्योहार बस आने ही वाला है और इस बार के रक्षाबंधन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि बहनें अपने भाइयों को राखी कब बांधें, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। तो हमने सोचा, उदय इंडिया ने सोचा कि इस विषय में विशेषज्ञों की राय क्या है वो जान लेते हैं। तो हमारे अति प्रिय ज्योतिषी महोदय और ग्रह नक्षत्रों के जानकार हेमंत कासट जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उदय इंडिया ने सोचा कि दर्शकों की इस शंका का समाधान हेमंत कासट जी ही कर पाएंगे, क्योंकि उनसे बेहतर ग्रह नक्षत्रों की जानकारी किसी के पास होती नहीं है। तो हेमंत कासट जी, कृपया ये दर्शकों का बताएं, उनकी शंका का समाधान करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो उदय इंडिया में। नमस्कार जी। कि ये भ्रम की स्थिति पैदा क्यों हुई है और वास्तविक तिथि रक्षाबंधन की कब है, बहनों को इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो जानना चाहती हैं कि वो भाइयों को कब राखी बांधें। अंशुमान जी, चतुर्थी के साथ ही 30 तारीख को दिन में 11 बजे से पूर्णिमा प्रारंभ होगी। पूर्णिमा के साथ ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा का वास इस बार मृत्यु लोक में होने से भद्रा की छाया को हमें मानना ही पड़ेगा जी। भद्रा रात को 9 बजे तक लगातार जारी रहेगी। रात को 9 बजे तक? जी जी, रात्रि 9 बजे तक भद्रा लगातार जारी रहेगी। तो वैसे भी भारतीय परंपराओं के तहत सूर्य की उपस्थिति में बहुत त्योहारों को मनाने का विशेष महत्व माना गया जी। और 31 तारीख को सुप्रातः काल 7:30 बजे तक भी पूर्णिमा व्याप्त रहेगी। तो उदया तिथि के महत्व को मानते हुए और भद्रा रहित दिन को मानते हुए मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि 31 तारीख को उत्साह, उमंग और परम आनंद के साथ रक्षाबंधन का पर्व पूरा भारतवर्ष मनाएं और अपनी बहनों को बुलाएं, बुआओं को बुलाएं और अति उत्साह के साथ हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व को आनंदमय बनाएं। तो आचार्य जी, आपका ये कहना है कि वास्तविक रक्षाबंधन जो है वो 31 अगस्त को ही है, क्योंकि 30 अगस्त को भले ही तिथि उदय हो रही है किंतु भद्रा का साया है उस पर। तो कृपया दर्शकों को ये बताएं कि 30 अगस्त को कितने बजे से तिथि लग रही है और 31 अगस्त को कितने बजे सूर्योदय हो रहा है। 30 तारीख को तो सुबह चतुर्दशी रहेगी, तो सूर्य उदय रिक्ता तिथि में होंगे, परंतु दिन में 11 बजे से पूर्णिमा तिथि लगेगी और रात्रि पूर्णिमा अगले दिन 31 तारीख को 7:30 बजे तक रहेगी और सूर्य उदय उसके पूर्व हो चुके होंगे। सूर्य उदय की स्थिति में सूर्य उदय के बाद भी पूर्णिमा तिथि रहेगी तो वो उदया तिथि कहलाएगी। सूर्य का उदय पूर्णिमा की तिथि में 31 तारीख को ही होगा। तो उदया तिथि के मान को मानते हुए हमें इस पर्व को 31 तारीख को धूमधाम के साथ मनाना चाहिए जी। तो अपने दर्शकों को बता दें कि हेमंत कासट जी बता रहे हैं कि 31 अगस्त को सूर्य जो है उदया तिथि जो है सूर्योदय जो हो रहा है वो रक्षाबंधन की पूर्णिमा में हो रहा है, इसी वजह से 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना सबसे बेहतर माना जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है कि यदि ज्यादा समय तक 30 अगस्त को तिथि है पूर्णिमा की, तो 30 अगस्त को क्यों ना मनाया जाए? इसलिए नहीं, भद्रा की छाया के अंदर ही पूर्णिमा है जी। भद्रा की छाया रात को 9 बजे मुक्त हो रही है, तो हम क्यों भद्रा की छाया के अंदर इस पर्व को मनाएं? यदि भद्रा
मृत्यु लोक में न होकर दूसरे लोकों में होती तो हम आराम से इस पर्व को मना सकते थे जी। पौराणिक महत्व के अनुसार भी भद्रा का महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि रावण की बहन ने जब उनको भद्रा काल हाँ उनने जब भद्रा काल में उन्हें राखी बांधी तो वो अगले वर्ष रावण को राखी नहीं बांध सकी थी, इसलिए पौराणिक महत्व भी भद्रा का मान्यता प्राप्त माना गया है। तो इसीलिए मतलब आप रेफरेंस दे रहे हैं रामायण का कि सूपनखा ने रावण को राखी भद्रा काल में बांधी थी और उसके भाई अल्पायु हो गए थे, आप ये कहना चाहते हैं शायद। जी 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 बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो यानी कि भाई भाइयों की आयु की समृद्धि की उम्र की रक्षा करने के लिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जानी चाहिए जी, मैं शायद यही समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि भद्रा काल को हम भद्रा मुक्त जब हमें 31 तारीख को पूर्णिमा सूर्योदय के साथ तिथि मिल रही है तो हमें उसी के दिन 31 तारीख को ही पूरा पर्व पूरे मनोयोग से आनंदमय उत्साह के साथ उमंग के साथ मनाना चाहिए। तो 30 अगस्त को भद्रा कब से कब तक है? 30 अगस्त को भद्रा पूर्णिमा की तिथि के साथ ही रात को 9 बजे तक है, लगभग 2-5 मिनट का अंतर सब जगह हो सकता है अलग अलग शहरों के अक्षांश देशांश के अनुसार। तो ऐसे में यदि कोई बहन रात में 9 बजे के बाद राखी बांधना चाहे तो कोई आपत्ति? मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, यदि वो बांधे तो भी मुझे 9 बजे भद्रा रहित काल के बाद यदि उनको आवश्यक ही है उसी दिन आना है क्योंकि उसी दिन उनके पहले से टिकट है या रिजर्वेशन है तो वो बांध सकती है, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी तो दर्शकों को हम बता दें कि आचार्य जी का ये कहना है कि यदि आप 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाना चाहती हैं तो आपको रात 9 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, 9 बजे के बाद आप भाई को राखी बांध सकती हैं, अन्यथा आप 31 को राखी बांधें। अच्छा आचार्य जी एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आप बता रहे हैं कि 31 तारीख को सुबह 7:30 बजे तक ही मुहूर्त है तो इतनी सुबह राखी बांधना तो संभव नहीं हो पाएगा, तो क्या सारी बहनों को सुबह 7:30 बजे के पहले राखी बांध लेना होगा? ऐसा नहीं है, सूर्योदय की तिथि हुई है, सूर्योदय संपूर्ण दिन हम इस पर्व को मना सकते हैं जी। मैं आपका आपने पूछा है कि 31 तारीख को क्या 7:30 बजे तक ही राखी बंधन करना चाहिए, ऐसा नहीं है, उस दिन पूर्णिमा सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में हुआ है तो पूरा दिन राखी का बंधन हम कर रक्षा बंधन का पर्व पूरे दिन धूमधाम उत्साह उमंग के साथ मना सकते हैं। जी 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 तो आचार्य जी आपने दर्शकों की एक बहुत बड़ी शंका का समाधान कर दिया, आपने ये बताया कि 30 तारीख को रात 9 बजे के बाद और 31 तारीख को दिन भर रक्षाबंधन किया जा सकता है, तो बहनों की बहुत बड़ी चिंता दूर हुई, आपने शास्त्रीय विधि से उदया तिथि और सबका एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छी तरह से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, रक्षाबंधन की अनंत बधाइयां आपको भी आचार्य जी। जी सर।